तो हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है एरोमेटिक अमाइन्स। दीज आर द दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अमाइन ग्रुप रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम वन ऑन बेंजीन एंड फॉर्म एरोमेटिक अमाइन्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे अपना बेंजीन हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिप्लेस करके नाइट्रोजन अमाइन्स के साथ रिप्लेस कर लेगा और अपना एरोमेटिक अमाइन्स बना लेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया अपना एनिलीन। तो नेक्स्ट इसके मेथड देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो पहला मेथड है अपना बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है, तो बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होता है, एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इसमें एडिशन होता है और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है अपना, जैसे ऑक्सीडेशन में होता है अपना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो पहला मेथड है अपना बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन नाइट्रो बेंजीन इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NIPPT इट गिव्स एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन अपना कौन सा हो गया, एरोमेटिक अमाइन्स हो गया जैसे, ठीक है। तो जो नाइट्रो बेंजीन है ठीक है, और क्या होगा अपना जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या कर लेगा, एडिशन कर लेगा, ये यहाँ पर मतलब रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्लेस होकर अपना क्या बनेगा, एनिलीन बना लेगा प्लस वाटर बना लेगा। तो सेकंड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, व्हेन एरोमेटिक नाइट्राइल्स अंडर गो रिडक्शन रिएक्शन विच रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAl(H4) इट प्रोड्यूस एरोमेटिक अमाइन्स। तो इसमें क्या हो रहा है, जो एरोमेटिक अपना नाइट्राइल्स है, ठीक है, जैसे ये देखो, तो ये अपना बेंजीन के ऊपर, तो ये अपना बेंजीन हो गया। देन इसमें क्या है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है देन एन के साथ, ठीक है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने, दो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, ये इन दिया टूट जाएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो CH2NH2, ठीक है, तो अपना बन जाएगा बेंजाइल अमाइन। तो थर्ड है अपने पास बाय अमोनोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो अमोनोलाइसिस मतलब क्या होता है, जो अमोनिया है इसका इसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन एंडरगोज अमोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट हाई टेम्परेचर इट प्रोड्यूस एरोमेटिक अमाइन्स। तो इसमें क्या आ रहा है, जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, अमोनिया के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और इसमें अमोनिया अपने बाद अमोनिया साथ रिएक्ट किया, देन क्या बना लिया, एनिलीन बना लिया। तो यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन कितने हैं, दो हैं, इन नाइट्रोजन इधर लग गया, इधर इधर लग गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, समझ, छः हैं, तीन, तीन दूनी छः, ठीक है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन और इधर चार हाइड्रोजन, और जो Cl था इसके साथ नीचे आ गया, ज्वाइन हो गया। तो अपने पास फोर्थ है हाफ मैन रीअरेंजमेंट। तो व्हेन एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड अमोनिया ग्रुप इज एसिटामाइड इज रीअरेंज देयर पोजिशन एंड द शिफ्ट टूवर्ड रिंग एंड द प्रोड्यूस एनिलीन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो जैसे अपना ये रिएक्शन है, ठीक है, तो जैसे अपना ये रिएक्शन है इसमें क्या है, एसिटामाइड है, ठीक है। तो एसिटामाइड है ये अपना जो CO है, ठीक है, जो CO और जो ये वाला O है, इसको लेके क्या देगा, निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, गैस है तो ये उड़ जाएगी, ठीक है। देन जो अपना NH2 रह जाएगा, ठीक है, तो NH2 अपना कौन सा हो गया, एनिलीन हो गया, और जो O लेके निकला था तो NaBr यहाँ पे हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड।